नीट का रिजल्ट आने के बाद सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया है, सब इस इंतजार में है कि रीनीट के ऊपर क्या निर्णय लेगी सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बता देना चाहता हूं एक अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। आज जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निर्णय नहीं लिया है, लेकिन निर्णय को स्थगित कर दिया है 8 जुलाई तक। 8 जुलाई को कोर्ट इस पूरी मामले पे सुनवाई करेगी और नीट यूजी 2024 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बात को सुनने के लिए कि वो काउंसलिंग को स्टे दे दे, अभी फिलहाल मना कर दिया है पूरी तरीके से। यहां तक कोर्ट ने कह दिया कि केस को डिसमिस कर दिया जाएगा अगर आप इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो। इसका मतलब यह है कि फिलहाल नीट के ऊपर कोई भी नया निर्णय आना मुश्किल है। 8 जुलाई तक काउंसलिंग की शुरुआत एमसीसी करना शुरू कर देगी, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए और काउंसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है। साथ में एक नोटिस जारी किया एनटीए को और पूछा है आपके पास जो भी रिस्पांस है इस पेपर लीक मामले में अपना रिस्पांस 8 जुलाई को पेश करें। साथ में कोर्ट ने कहा है कि जितने भी जुड़े हुए मामले हैं उन सबको एक साथ क्लब करके एक साथ सुना जाएगा और निर्णय 8 जुलाई के बाद ही होगा। तो दोस्तों क्या होगा इन स्टूडेंट्स का भविष्य, क्योंकि जो बहुत अलग अलग तरह के तथ्य निकल के आ रहे हैं लीकेज से पेपर लीक के मामले में, कहीं पर कोई टेलीग्राम की चैट दिखाई दे रही है, व्हाट्सएप की चैट दिखाई दे रही है, कोई और वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, इनकी सच्चाई क्या है इसको तो इंटेलिजेंस एजेंसी जांच कर उसके बाद ही रिपोर्ट देगी। लेकिन फिलहाल मुझे स्टूडेंट्स को कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और हम सब उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जिनके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है और हम आपके साथ मिलकर लड़ते रहेंगे जब तक आप सभी के साथ न्याय नहीं हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने वाकई में मेहनत से इन नंबर को अचीव किया है, उनके साथ भी अन्याय ना हो। लेकिन साथ में जिन बच्चों ने मेहनत नहीं किया और उसके बदले में कुछ गड़बड़ करके उनके नंबर आए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपके पास क्या सबूत हैं सारी डिटेल्स आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों से लोगों को रूबरू कराएं। नीट काउंसलिंग से या रीनीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैट कम्युनिटी जो कि व्हाट्सएप चैट कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और साथ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीट काउंसलिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।